सो वेलकम बैक टू अचल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। आज की एक और नई वीडियो हम लोग लेके आए हैं भरत कार से, नरायना के अंदर अभी हम लोग हैं। आज हमारे पास है पंजाब से एक सुपर स्पेशल गाड़ी जो हमारा मेन कंटेंट। बिल्कुल भैया, बाकी हमारे पास आज क्या क्या हम लोग गाड़ियाँ कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ ही साथ में आज मैं एक बहुत ही स्पेशल हमारे सब्सक्राइबर, हमारे फैमिली मेंबर जो कि ऑल द वे फ्रॉम बीकानेर आए हुए, उनसे मैं आप लोगों को मिलाऊंगा। इज पार्शली ब्लाइंड, लेकिन उनका जो प्यार है गाड़ियों की तरफ, थार की तरफ है। उन्होंने कहा भैया आपकी थार को देख देख के और पूरा चीजें जो क्रेज बना है ना उसके लिए जो है, उसके बाद उन्होंने भी थार परचेज किया। सैल्यूट है भाई उनको, जेन्युइनली सैल्यूट है। तो भाई आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे क्या प्रोसेस करें। तो आज जो हम सबसे पहली गाड़ी कर रहे हैं ये कौन सी गाड़ी है भाई? ये भैया, ये हमारे पास बीकानेर वाले भैया की ही गाड़ी है। ये बीकानेर वाले भैया की गाड़ी है, इट्स अ 4x4 कार। इस गाड़ी में अभी हम लोग पूरी की पूरी वर्किंग कर रहे हैं, पूरी गाड़ी जो हमने खोल दी है। क्या क्या कर रहे हैं सर इसके अंदर बताइए? इसके अंदर हम एम्बिएंट लाइटिंग लगा रहे हैं, ग्रैब हैंडल्स हैं और ग्रिल है, हेडलाइट है भैया के, फॉग लैंप के अंदर LEDs हैं। तो भैया का अभी हम इसमें मेजरली ये कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास महाराष्ट्र से गाड़ी आई है, ये रीडू के लिए आई है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये रीडू के लिए आई है। ये गाड़ी है हमारी पुणे से। ठीक है, और इसके अंदर हमने ऑटोमेटिक फुटस्टेप्स लगाए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, खोलना भाई। ओह वेरी नाइस, बंद करो। चढ़ के इसके होते, ड्यूरेबल होता है कि नहीं होता ये? और कोई या कोई वॉक करके तो दिखाना हो तो मैं तो वॉक करके भी दिखा सकता हूँ। वेरी नाइस, अच्छी चीज़ है लगाने के लिए ऐसे भाई। बिल्कुल भैया, अगर किसी को सपोर्ट चाहिए घर में, किसी को मुश्किल होती है गाड़ी में क्लाइंब अप करने के लिए, उसके लिए अच्छा है। प्लस हमने इसमें अपना हाइपरसोनिक का 13 इंच स्टीरियो डाला और 360 डिग्री कैमराज डाले हैं। अभी उसकी वर्किंग थोड़ी चल रही है। पीछे हमने भैया के अभी अलॉयज अपग्रेड होंगे तो हमने पहले ही टैंडम बम्पर इसमें इंस्टॉल कर दिया। कितने इंचेस के अलॉय व्हील डाल रहे हो भाई? भैया 20 इंचेस का भैया का मन है, तो उनका कॉन्ट्रा का मन था, तो कॉन्ट्रा इज अ हेवी अलॉय। आई टोल्ड हिम कि आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वेरी नाइस भाई, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी गाड़ी की तरफ। ये भी हमारे पास यूपी से ओला यानी कि नोएडा से आई हुई है। इसमें क्या कर रहे हैं सर हम? सर इसके अंदर हम ग्रिल, मेरे ख्याल से ग्रैब हैंडल्स, भैया से जो बात हुई थी, बाकी भैया अभी बैठे हैं। ग्रिल और ग्रैब हैंडल्स मेरे को जहाँ तक है कि कन्फर्म्ड है। ठीक है भैया, अभी इस वाली गाड़ी के अंदर बताइए भाई इसमें क्या कर रहे हैं? इसके अंदर भैया अभी हमने बम्पर अपग्रेड करना है और अपने हेडलाइट्स डालने हैं। एक्चुअली DRS मैंने देख लिया, आपने DRS डाल दिया। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे? अभी वो हम एक लॉन्च करेंगे, न्यू हेडलाइट आई है। आई थिंक वी कैन नाउ क्लेम दैट वी हैव वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हेडलाइट्स फॉर द थार एज़ वेल, जो कि प्रोजेक्ट 4x4 में आई है। वेरी नाइस, अभी हमने टेस्टिंग कर ली थी उसकी, तो प्रोडक्ट इज नाउ अवेलेबल, तो अभी हम वो भी दिखाएंगे आने वाली वीडियोस में। परफेक्ट। सर मैंने आप लोगों को बताया हमारे बड़े स्पेशल सब्सक्राइबर, हमारे फैमिली मेंबर है जो कि बीकानेर से आए हैं। सर क्या नाम है सर आपका? ऋतिक खत्री। ऋतिक भाई हमारे साथ है, सर हमारे साथ है। सर आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार हमारे साथ है और भैया जो है वो गाड़ी ड्राइव करके लेके आए। सर गाड़ियों का क्रेज कैसा है आपको ये बताइए पहले। बहुत ज़्यादा गाड़ियों का क्रेज, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सर। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। और भाई ऐसे ही जो है भैया, और थार गाड़ी कैसी लगी बैठ के? पूरा कंफर्ट था, मज़ा आ रहा है जैसा बोलते हैं, फील आता है? फील तो पूरा आया था, बट जब मतलब ली थी तब थोड़ा बहुत लगा कि यार मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, तो बस 3 से 4 दिन जो मंदिर वगैरह जाना था हो गए, फिर डायरेक्ट यहीं आ गए। अभी तक नंबर वगैरह कुछ नहीं आया, बस सब सीधी यहीं आई है गाड़ी। तो देख लो भाई इतना प्यार है भरत कार की तरफ और इतना ट्रस्ट है हमारी तरफ। बिल्कुल, भैया जो है गाड़ी लेके आए। बाकी सर काम कैसा चल रहा है अभी? बहुत अच्छा, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एकदम एकदम अच्छी बात है। एक बार थम्स अप कर दीजिए बढ़िया तरीके से। तो अब हम लोग आप लोगों को हमारी मेन कंटेंट कार जो है दिखाने वाले हैं, और जैसा आप लोगों को पता है भाई अभी हम लोग हमारे नारायणा वाले आउटलेट के अंदर है। हमारे पास जो आज मेन गाड़ी आई हुई थी जिसके बारे में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, वो हमारे पास PB02 है, यानी कि अमृतसर से आई हुई है। और शौक जो है वो भैया का बहुत नेक्स्ट लेवल था। अगेन इट्स अ रियर व्हील ड्राइव, यानी कि RWD वन ऑफ द बेस्ट कार टू बाय राइट नाउ, अगर आप 4x4 गाड़ी नहीं लेना चाहते। बिल्कुल, वैल्यू फॉर मनी है, अच्छी चीज़ है। और अब तो जिमनी के भी रेट गिर गए, उसके बाद भी आई विल रिकमेंड कि आप लोग थार ही खरीदो। टॉर्क ज़्यादा है, पावर अच्छी है, टर्बो का रिस्पांस अच्छा है, तो इस मामले में जो है आप लोगों को जो है थार का ही एक जो है ऊपर दिखेगा। भैया की क्या रिक्वायरमेंट थी भैया जब आपके पास गाड़ी लेके आए थे, भैया क्या चाहते थे आपसे? तो भैया से ना पहले बहुत बार डिस्कशन हुआ था, तो जो हमने पहले एक आइडिया डिसाइड किया था दैट वॉज व्हाइट एंड ब्लू। ठीक है, गाड़ी को करने का। बट भैया जब आए तो भैया को कोई कलर थीम, व्हाइट एंड ब्लू मजा नहीं आता भाई। हाँ, वो मजा ना आता, फिर हमने ना ब्लैक एंड व्हाइट थीम कर दिया। ठीक है, तो हमने ना भैया का भी पहले वर्ड निकला था कि जेब्रा। ठीक है, कि जेब्रा टाइप थीम रखनी है थार की, तो इसीलिए हमने ना एक ब्लैक एंड व्हाइट मिक्सचर पे ये गाड़ी पूरी की पूरी तैयार करी। आप देखोगे बहुत, हाँ बिल्कुल, मैं एक स्टेप बाय स्टेप चीज बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, भैया तो पंजाब से आए, पंजाब में तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम करते, लेकिन उसके बाद हमारे पास आने का क्या रीजन था भाई? अब भैया ये तो मैं भैया से भी पूछना है, भैया से पूछना पड़ेगा। तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस से बताओ ना क्यों आए तुम्हारे पास भाई? नहीं भैया, जिस तरीके से शायद से हमने रिस्पॉन्ड किया और जितने हमारा कनेक्ट हुआ भैया का हमसे, तो फिर हमने काफ़ी डिस्कशन किया, काफ़ी टाइम लिया,
तो शायद से भैया को हो सकता है चीज़ हमारी अच्छी। चलो बहुत अच्छी बात है गाइस। तो सबसे पहली चीज़, इस गाड़ी का पूरा फ्रंट फेशिया जो है वो हम लोगों ने चेंज किया है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए ये एक आइडिया वीडियो होगी। बाकी हम लोगों ने बजट वीडियोस बहुत सारी बना रखी है, आप लोग उसके लिए बातचीत कर सकते हो। जनवरी के अंदर में मैं आप लोगों को बहुत सारी बजट वीडियो दे रहा हूँ। 30,000, 50,000, 70,000, 90,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, जैसा आपका बजट हो वैसे आप लोग वर्किंग कर सकते हो। भरत जो है वो आप लोगों को एलॉय व्हील में भी सॉल्यूशन अवेलेबल करा देता है। जिन भैया की गाड़ी है उन्होंने एलॉय व्हील्स खुद परचेस किए थे, आप लोग चाहो तो आप लोगों को जो है हम लोग असिस्टेंस जो है अवेलेबल करा देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इस गाड़ी में एलईडी हेडलैम्प्स डाले हैं। एलईडी हेडलैम्प हर किसी के लिए नहीं है, पहले बता देता हूँ। इन लाइटों के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पांस अच्छा नहीं होता है, ये ऑन कैमरा बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप सोचोगे कि बहुत ही अल्ट्रा ब्राइट होते, नहीं होते भाई अल्ट्रा ब्राइट। अगर आपको अल्ट्रा ब्राइट चाहिए तो आप अपने स्टॉक में क्या लगा सकते हो भाई? स्टॉक हेडलैम्प में एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब है हमारे पास। कितने वॉट तक के अवेलेबल है भैया? हमारे पास जो अच्छे एलईडी बल्ब है 220 वॉट तक ही जाते हैं वैसे तो, उसके बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। 300 वॉट की एलईडी में क्या दिक्कत आ रही है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों के एक तरफ के बल्ब उड़ रहे हैं, क्योंकि भाई गाड़ी में भी एक लेवल तक की ही अपग्रेड कर सकते हो, उसके बाद में आप लोग जो अपनी गाड़ी खराब करने लग जाओगे। इसमें जो हमने हेडलैम्प लगाए कौन से रेंगलर टाइप है, क्या है भाई? ये भैया हमने किंग कॉन्ग प्लस, किंग कॉन्ग प्लस लगाया। अगेन इस वाले के पर्टिकुलर बात करोगे तो ये वाले थोड़े अपग्रेडेड है, लेकिन अब हमारे पास सबसे ब्राइटेस्ट अवेलेबल है। बिल्कुल, वो हम प्रोजेक्ट 4x4 में लेके आ रहे हैं। वी वर टेस्टिंग इट एंड वो अल्टीमेट रिस्पांस होगा, अल्टीमेट रिस्पांस है वो आप लोगों को आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा, क्योंकि वो अभी थोड़ा प्रोडक्शन के अंदर थी। ग्रिल जो है हम लोगों ने इसमें 7-स्लॉट ग्रिल लगाई है, एक बिलेट्स लगाया है। यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रोब लाइट्स आप लोग बोल सकते हो, नहीं तो ये स्टिल लाइट्स है जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल होती है। ये अलग से आप लोग जो है इंस्टॉल करा सकते हो, आप लोगों की पर्सनल चॉइस रहेगी। व्हाइट गाड़ी में ब्लैक कलर की ग्रिल लगाने का मेन स्पेसिफिक रीजन जो है वो कस्टमर से भी जानेंगे। आप बताओ आपका क्या रीजन है भाई? वही ब्लैक एंड व्हाइट थीम था, तो अगर हम व्हाइट पे रहते तो काफी सिमिलर टोन की गाड़ी हो जाती है। ठीक है, सो आई थिंक इट, तो हमने जो व्हाइट का टच दिया है ग्रिल के ऊपर, तो ये अब कॉपी हो जाएगा, अब ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है भाई, कॉपी कर लो, अच्छी बात है। इसी के साथ में हमने एलईडी डीआरएस लगाया, आफ्टर मार्केट डीआरएस है। इन डीआरएस में पहले हाइपर फ्लैशिंग की दिक्कत आ रही थी। हाइपर फ्लैशिंग क्या होता है? आप लोगों के ब्लिंकर जो है बहुत स्पीड में ऐसे ऐसे फ्लिंक करने लग जाते हैं, तो वो नॉर्मली क्यों दिक्कत आती है? जब आप इसका और इसका कनेक्शन देते हो, साथ ही साथ में इसके साथ में कनेक्शन देते हो, तो हाइपर फ्लैशिंग आती है। उसको खत्म करने का तरीका होता है डायोड। अब आगे आप लोग खुद ही अकलमंद हो, जिनको पता होगा डायोड क्या होता है वो लगवाओगे तो आप लोगों की दिक्कत जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। बाकी इस गाड़ी में जो बम्पर हम लोगों ने लगाया, इसको हम लोग बोलते हैं रैंगलर टाइप बम्पर। इसको हमने ग्लॉसी पेंट किया, अगेन ग्लॉसी पेंट की थोड़ी ज़्यादा मेंटेनेंस होती है, लेकिन लुक वाइज जो है इसने एक अपलिफ्ट लुक दे दिया है। ठीक है भाई, आज के टाइम पर मार्केट में बहुत सारे मेड इन इंडिया वाले बम्पर फ्लोट हो रहे हैं जिनमें क्वालिटी है नहीं, एक बारी में वो छोटी सी टक्कर में खिंड जाते हैं बुरी तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा है कि नहीं है भाई? बिल्कुल है भैया। और जब भी बम्पर लगवाते हो इसके अलाइनमेंट जरूर चेक करो, नहीं तो हाई स्पीड के अंदर में आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे वॉबल करेगी। ठीक है भाई, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी आप लोग समझ सकते हो, ये वाला जो हमारा कान होता है ये हम लोगों ने जो है व्हाइट कलर का छोड़ा है, बाकी भैया ने ग्लॉसी पेंट के लिए ऑप्ट किया था। कई सारे लोग पूछ रहे थे सेंसर्स लगवा सकते कि नहीं लगवा सकते? नहीं लगवा सकते भाई। ठीक है, ये सीधा जवाब है कि नहीं लगवा सकते आप लोग। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है फॉग लैंप्स में एलईडी डाली है भाई। बिल्कुल ठीक है भाई, एलईडी का अपग्रेड है। ये फ्रंट है इसका लुक जो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नीचे में अंडरबॉडी में भैया ने ओवरलैंड वाली अंडरबॉडी डलवाई है। आप लोग चाहो, मेरा रिकमेंडेशन प्राड का है, क्योंकि एक बार इन्वेस्ट करोगे अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करना। नटवर्ड देख लेना कि ये एसएस वाले नट हो, नॉर्मल रट जो है वो रस्टिंग पकड़ सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा का सेटअप इसमें लगाया, एंड्रॉइड स्टीरियो हाइपरसोनिक लगाया, जो कि मेरा अपना ब्रांड है भाई। तो भाई मैं वही चीज़ रिकमेंड करता हूँ, और आप लोग अगर आ रहे हो, अगर ये कोई और ब्रांड भी आपको बेचने की कोशिश करे तो मत लगाना, लगाना हाइपरसोनिक है। ठीक है भाई, वो मेरा ब्रांड है इसलिए बोल रहा हूँ। इसी के साथ में हम लोगों ने जो है इसमें क्लैम्प ऑन जो है ऑक्सिलरी लाइट जो है इंस्टॉल करी है, जिसकी वायर जो है हिडन चले जाती है। दो तीन चीज़ें हैं जिनका बहुत ध्यान रखना वर्किंग कराते वक्त। जब ये क्लैंप आप लोग खुलवा रहे हो, नट बड़े सही तरीके से खुलने चाहिए। बंद करते वक्त इन नटों में जो है कहीं से भी देखना कि इसका चूड़ी जो है वो आउट ना हो। अगर चूड़ी आउट हो जाएगी तो अगली बार ये कभी खुल नहीं पाएगा, फिर आपको वेल्डिंग करवा के खुलवाना पड़ेगा। वायर सारी हिडन होती है, वायर कटिंग मत करवाना। कोई करने की कोशिश भी करे तो वो काम मत कराना। बिल्कुल, ठीक है भाई। स्विच लग जाते हैं, इसके बदले अंदर आप लगवा सकते हो। ये आप लोगों के है डोर हिंजेस, चढ़ जाओ भाई, आओ लाइव टेस्टिंग आप लोगों के सामने। डोर हिंजेस कितने अच्छे है, कितने अच्छी क्वालिटी के आते हैं। ये भरत भैया यहाँ पर चढ़ रहे हैं, इन्होंने अभी नए बिल्कुल कपड़े खरीदे और इन्होंने पूरी टेस्टिंग करा दी। वो रॉजर फेडरर वाले जूते भी थे इनके पास, अब इन्होंने चेंज कर दिया आज। ठीक है, तो ये अच्छी कैपेसिटी उठा लेता है। हमेशा ओरिजिनल नट लगाने, कोई बोलेगा भैया मैं इधर के मेड इन, इधर के मेड इन, उधर के कहीं के नहीं लगाने, स्टॉक लगाने, क्योंकि इनमें रस्टिंग नहीं होगी, नहीं तो 120% रस्टिंग गाड़ी पकड़ने लग जाती है। बिल्कुल, भैया ने 20 इंची के अलॉय व्हील लगाया है। ये भैया ने करोलबाग की मार्केट से परचेस किए थे। आप लोग खुद भी खरीदना चाहो खरीद सकते हो, भैया को अच्छी डील मिली तो भैया ने उसके लिए ऑप्ट कर लिया। बिल्कुल, नहीं तो भरत भी आपको अवेलेबल करा देगा, ना तो इसमें भरत के पैसे बनने वाले ना कुछ बनने वाला है, ये डायरेक्ट भी राउट करा देगा आपको, तो आप लोग अपने आप वर्किंग करके काम करवा सकते हो। इसके बाद इस गाड़ी में हम लोगों ने जैसे एक हमर लाइट आती थी वैसे इन लाइटों को क्या बोलते हैं? यूएफओ लाइट्स, यूएफओ लाइट बोलते हैं, और इसको और भी कुछ मार्कर लाइट्स, मार्कर लाइट्स बोलते हैं।
इसमें भी भाई चार क्वालिटी आती है, एक लोहे वाली क्वालिटी वन ऑफ दी फाइनेस्ट है, ये वाली क्वालिटी हमारी GCS है, कौन सी है? GCS. ये मेरे GCS ग्रोवर कार जो हमारे भैया है उनका ये अपना ब्रांड है, और ग्रोवर ये भी ग्रोवर ही है, तो भैया ये अपने घर की चीज है, तो इसमें सुनवाई कर दोगे 6 महीने तो सुनवाई करोगे? बिल्कुल बिल्कुल है, आधे से ज्यादा सब प्रोडक्ट की 6 महीने की तो 1 साल है, 1 साल GCS के प्रोडक्ट GCS 1 साल है, ये भी 1 साल है, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, इसमें जो लगा है वो भी 1 साल 2 साल पता नहीं कितने कितने सालों की वारंटी आने लग गई है, तो ये आप लोग जरूर ऑप्ट कर सकते हो। 360 डिग्री कैमरा के लिए साइड मिरर में हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, भैया ने जो है थोड़ी सी टिंटिंग गाड़ी के अंदर कराई है, पर्सनल ओपिनियन है, ये टिंटिंग इज अ फेयर इनफ, अगर आप लोग ज्यादा गर्मी वाले जगह में रहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है ऑप्शन वाइज जो है आप लोगों को जो है ऑप्शन मिल जाता है टिंटिंग का, बाकी दिल्ली के अंदर तो सब कुछ इनलीगल है, कुछ भी मत कराओ दिल्ली के अंदर, तो ऐसा वाला स्कीम है भाई। बाकी भैया की एक चीज मेरे को अच्छी लगी, भैया कहते हैं कि मुझे टायर बाहर बहुत ज्यादा नहीं निकालने कि लोग परेशान ना हो, ठीक है भाई, तो ये एक अच्छा जेस्चर भी है, और भाई 22 इंची 24 इंची कोई भी रोड पे लीगल नहीं है और चलाने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। अब भैया सबसे मेन चीज आती है जिसको मैंने बड़े टाइम से चिल्ला के बता रहा हूँ, और तुमने इतना जबरदस्त प्यार मोहब्बत दिया उसके लिए बहुत थैंक यू। हम लोग गाड़ी का इंटीरियर पेंटिंग 30,000 रुपए के अंदर करके देते हैं, जिसमें हम लोग इंटीरियर में आप लोगों को पेंट करके देते हैं, ये आप लोगों को हाइड्रो डिपिंग का लुक देते हैं, और ये 30,000 रुपए के अंदर हम क्लेम करते हैं। कोई अगर इस क्वालिटी का करके दे रहा है तो भाई उससे करवा लेना, हमारे जितना ऐसे कर नहीं सकता कोई, बिल्कुल कर सकता है भाई, नहीं कोई बोलेगा 28,000 में कर दूंगा भैया, वो तो 5,000 में भी सुनवाई कितनी है, सुनवाई बताओ, स्प्रे लेके तो 5,000 में भी लोग लगे हैं, सुनवाई बताओ कितनी सुनवाई करोगे, 2 साल 1 साल 3 साल 4 साल जब बोलोगे, अब 4 साल तक बोल दिया तुमने, हाँ कोई बात नहीं भैया, सुनवाई के लिए हमेशा बैठे, कभी पीछे ना, अगर ये पीछे हटेगा तो वीडियो दिखा देना इसको, ये आप लोगों के ग्रैब हैंडल से जो कि ड्रिल फ्री है यही लगवाना, नहीं तो यहाँ पर रस्टिंग हो जाती है, सच्चाई बोलना जरूरी है, यहीं से वायर ड्रॉ होती है, यहाँ ही से नीचे जाती है, इग्निशन या किसी के साथ ऐड कराना चाहो करा सकते हो, ये आप लोगों का पूरा इंटीरियर पेंटिंग का लुक है, ठीक है भाई, और यहाँ पर आप लोग जो है पूरा लुक इसका चेकआउट भी कर पाओगे, यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इस गाड़ी को पूरा अंदर से हम लोगों ने कस्टमाइज़ किया, कस्टमर का ऑप्शन था कि मुझे जेब्रा लुक चाहिए, ये प्रिंस मतलब जैसे हमारे प्रिंस भैया का शौकीन है, वो ग्रीन कलर है उनका शौकीन कलर, तो भैया को जो है वाइट ब्लैक दिया, और पर्सनली मेरा ओपिनियन भी है कि गाड़ी बहुत एक नंबर की लग रही है भाई, इवन इसमें अगर आप लोग रियर में भी देखोगे इट लुक्स रियली रियली वेरी प्रॉमिसिंग, और भाई देखो इसके साइड में जो ये लोहा होता है ना, ये वाली चीज़ को भी कवर करा लिया, क्योंकि भाई फैमिली के साथ जा रहे हो या किसी के साथ बैठे हो, जब लोग बोले ना कि भैया कितना पैसा लगाया, तो ऐसे करके उनको पूरा दिखा दो भैया इतना पैसा लगाया, और अपने आप ही गाड़ी में पता चल जाता है कि कितना पैसा लगा हुआ, ठीक है भाई। गाड़ी का करते हैं इग्निशन ऑन, कुछ चीज़ें यहाँ पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, गाड़ी में हम लोगों ने एमएल लाइट लगाया, K3 लगाया सर, K3 कितने पीसेज है, 14 पीसेज वाला एमएल लाइट लगाया है। अब आज के टाइम पे AMG AC वेंट के बारे में कोई सच्चाई नहीं बताता, लेकिन मैं आपके मुंह पे ये चीज़ सच्चाई बताता हूँ, AMG AC वेंट लगाने के बाद आपकी गाड़ी की जो एयर ब्लो की ताकत है या फिर हवा आने का जो सक्शन होता है वो कम से कम 18-20% कम हो जाता है, 80% ही आपको हवा आएगी, ये ऑन कैमरा बताना जरूरी, सच बोल रहा हूँ भाई, बिल्कुल सच बोल, ऐसा तो नहीं है लोग बाद में बोलेंगे हम नहीं लगाएंगे भाई, हम लोग तो शौक वाला बंदा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भाई मेरा काम यही है कि मैं आप लोगों को सही चीज़ें रिकमेंड करूँ, गलत चीज़ करके आप लोग मेरे से कल परसों में भाग जाओगे दूर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हम लोगों ने पूरा जो है आप लोगों को हाइड्रो डिपिंग का ऑप्शन दिखा दिया, AMG AC वेंट्स दिखा दिए, AMA लाइट दिखा दिया, इवन इसमें भी हम लोगों ने हाइड्रो डिपिंग करके दिया, तो ये पर्सनली जो है एक ओपिनियन रहता है, गाड़ी के अंदर हम लोग बैठते हैं। अब यहाँ पर आ गया मेरा अपने घर का स्टीरियो, कितने इंचीज है सर ये, सर 11.5 इंचेस का एंड्रॉयड स्टीरियो ऑफिशियली फ्रॉम हाइपरसोनिक, ऑफिशियली अवेलेबल ओनली एट भरत कार, अगर भरत कार से बाहर किसी के पास मिलता है तो भाई वो तो हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। तो अब जो नेक्स्ट आप लोग देखने वाले हो, इसमें हम लोग एंड्रॉइड के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, इंचेस बताओ फिर से भाई कितना था, 11.5 इंचेस में आप लोगों को मिलता है एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस आप लोगों को इसमें मिल जाएगा, साथ ही साथ में एक बार वीडियो क्वालिटी जो है इसकी एक बार मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ, ठीक है। आपके जितने भी माउंटेड कंट्रोल्स है ये भी आप लोगों के परफेक्टली जो है वर्क करेंगे, और यहाँ से अगर आप लोग इसका फिट फिनिश और क्वालिटी चेक करना चाहो, अगेन जब भी आप लोग रोड पे निकल रहे हो तो प्लीज़ वीडियोस मत चलाओ, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बाकी तो भाई ये चीज़ थोड़ा बताना हमारी तरफ से ज़रूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी मेरे को पता है लोग जो है वीडियो चला के चलते हैं तो भाई मत चलाना है, ठीक है, शौक पूरा करने के हिसाब से ये चीज़ ठीक है। अभी आई गेस के 360 की वर्किंग जो है अभी वो होनी रह रही है, बिल्कुल, बाकी हमने इसमें कैमरा वैमरा तो इंस्टॉल कर दिया, अभी आया 360 का ऑप्शन कि नहीं आया, ठीक है भाई। तो वैसे आप लोग कैमराज जो है वो चेक कर सकते हैं, ये आप लोगों का राइट प्रोफाइल है और ये आप लोगों का लेफ्ट प्रोफाइल है, ये आप लोगों का फ्रंट है, ये रियर है, और बाकी जितने भी लोग जानना चाहते हैं भाई रिवर्स गियर में आई गेस ये आपका रिवर्स लग गया, ये आप लोगों की क्वालिटी है। तो भाई बड़ी स्क्रीन का फायदा ये है कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा व्यू मिल जाएगा देखने, बिल्कुल, को बिल्कुल। और बाकी भाई फिट फिनिश वाइज गाड़ी जो है वो A1 तरीके से तैयार हुई हुई है। तो ये तो था अंदर का रिस्पॉन्स जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया, अब चलते हैं गाड़ी के रियर की तरफ में, एक बार मैं आप लोगों को रियर प्रोफाइल भी जो है एक बार गाड़ी की दिखा देता हूँ, इसके बाद एक बार लाइटिंग सेटअप भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
रियर के अंदर अगर आप में से कोई भी 20 इंची 22 इंची 24 इंची के लिए अगर आप लोग अपग्रेड के लिए जाते हो तो आप लोगों को टेंडम बम्पर लगाना चाहिए। टेंडम बम्पर कैसा दिखता है वो हम लोगों ने महाराष्ट्र की गाड़ी में आपको दिखाया, बिल्कुल, जब आप बड़ी व्हील्स के लिए जाने वाले हो। पीछे भैया ने लगाया है। अब इसमें जो है आप लोगों की डिक्की जो है कई बार आवाज करने लग जाती है, कई बार लटक जाती है, बिल्कुल, क्योंकि यूजली कस्टमर कंप्लेंट करते हैं। अब एक्स वाली लाइट जो है इसमें इंस्टॉल करी है, बहुत कॉमन हो चुकी है। ये कौन सी है, बिट्स वाली है? नहीं भैया, ये नॉर्मल वाली है। दो तरीके की एक्स में लाइट आती है, बिट्स वाली आती है, एक वैसे आप लोगों को नॉर्मल वाली मिल जाती है, और ये आप लोगों के एक्स वाले रिफ्लेक्टर्स है। बाकी एक बार लाइटिंग सेटअप जो है फ्रंट से एक बार मैं आपको चेक कराता हूँ क्या क्या हमने लगा रखा है। एक एक करके ऑन करना, पहले DRS ऑन करो बस, सारे केवल गाड़ी ऑन करोगे तो आ जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पर आप लोगों के सबसे पहले जो है DRS का आप लोग लुक चेक कर लो। आप लोगों के हेडलैम्प्स भी पहले ब्लू से वाइट होते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों का DRS का लुक है और कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सटल जो लुक है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद में और लाइटें भी दिखाओ, ऑक्सिलरी लाइट्स ऑन करके दिखाओ, ये हमारे अपने ब्रांड के उसमें है भाई। नीचे से लाइटिंग दबाओ, ठीक है, अभी पहले आप लोगों की मार्कर लाइट जल गई, ठीक है भाई, आई गेस मार्कर लाइट्स और आगे की जो ये लाइट्स है इसका साथ में कनेक्शन है। अब एक बार ये भी ऑन कर दो भाई। भाई ये लाइट जो है ये आप लोगों की स्पॉट लाइट है। आप लोगों को अगर स्प्रेड लाइट चाहिए तो वो अलग चीज़ होती है, ये स्पॉट लाइट है, मतलब ये एक जगह केवल फोकस बनाती है। देखने में लगेगा कि क्या फ़ायदा है, लेकिन जिनको स्पॉट लाइट्स का यूसेज पता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बंद कर दीजिए भाई। इसी के साथ में इसके भी अंदर DRLs आते हैं, मतलब DRLs वाली वर्किंग होती है। ये भी ऑन करके देंगे भैया को, ठीक है, ये अभी आई गेस DRLs इसमें ऑफ हो रखे है ना, DRLs इसमें ऑन करके देंगे। भैया ने उसके साथ करा रखा, फॉक के साथ, फॉक के साथ करा रखा भैया ने, बता रहे भैया, ठीक है भाई, सो करो, हाँ देर यू गो, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है अभी केवल नीचे का फॉग लाइट का प्रोजेक्टर ऑन हुआ है। हेडलैम्प ऑन करो भाई, हेडलैम्प भी ऑन करके दिखाओ। तो ये लाइटिंग सेटअप है, डिपर दिखाओ, ठीक है। तो भाई ये अगेन ये लाइटिंग जो है ये समर लाइटिंग्स है, विंटर लाइटिंग में ये कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी, क्योंकि भाई विंटर्स में जो है पीली लाइट चलती है, बिल्कुल, तो उसके लिए हमारे पास बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे जो है ऑक्सिलरी लाइट्स है। वैल्यू फॉर मनी हाइपरसोनिक है, बाकी हमारे पास एक ब्रांड है जिसका नाम है स्टडी, बिल्कुल, दैट इज अ मेड इन ऑस्ट्रेलिया ब्रांड। यस, ऑफिशियली मैं अपनी गाड़ी में उसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। मेरे को क्या टेस्टिंग करने की जरूरत है, मतलब हमारे पास टेस्टिंग होके आया हुआ, लेकिन अब मैं जो नए टूर के लिए जा रहा हूँ उसमें पूरा फॉग रहने वाला है, तो वो मैं टेस्टिंग करके आप लोगों को लाइव वीडियोस के अंदर भी बता पाऊंगा। अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के रियर की तरफ में। एक्स वाली लाइट्स का रिस्पांस कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक आजकल थोड़ी बिट्स वाली लाइट आती है, वो भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और ये है आप लोगों के रिफ्लेक्टर्स, बिल्कुल। तो भाई अब बताओ भैया ने कितना पैसा लगाया गाड़ी के ऊपर? भैया अभी तो भैया की बिलिंग चल रही है, बताओ फिर भी आइडिया बताओ। अराउंड मेरे ख्याल से 215-220 215,000 रुपए भैया ने स्पेंड किया, जिसमें आपने जितनी वर्किंग देखी, ईच एंड एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। आपने कुछ ऑडियो में भी अपग्रेड किया इसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना, ऑडियो भी इन्होंने अपग्रेड किया, तो आप लोग ओवरऑल कॉस्ट जो है समझ सकते हो। बाकी सीट सूट जितनी भी चीजें होती है वो भी हम लोगों ने जो है इस गाड़ी में कर दी, सब कुछ करके। आई गेस आपको आइडिया मिल गया। अब चलते हैं भाई कस्टमर के पास, क्योंकि भैया बड़े शौकीन है और भैया से रिस्पॉन्स लेंगे। सो गाइज आप लोगों ने पूरी गाड़ी का रिस्पॉन्स चेकआउट कर लिया है, और हम लोग जो है ना भाई कभी भी कहते हैं ना कि हम लोग कोई फेक डिलीवरीज या फेक कोई वर्किंग नहीं दिखाते, हमारे पास रियल कस्टमर्स हमेशा होते हैं। तो हमारे साथ सर जुड़े हैं अमृतसर से, सर नाम बता दीजिए। आई एम हरमनबीर सिंह, और सर जो है हमारे अमृतसर से आए हैं, बिल्कुल अमृतसर पंजाब। और सर पंजाब में तो ऑलरेडी इतने सारे लोग काम करने वाले, तो दिल्ली कैसे सर? उसके दो तीन कारण हैं, जिनमें सबसे पहला कारण आपका भी है कि आई एम योर फॉलोअर एंड आपके ब्लॉग्स अक्सर देखते हैं, एंड यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू। एंड उसमें क्या है कि हम लोग जैसे दूर से आते हैं तो हमारे को पहले से एक आइडिया हो जाता है कि हमने जो भी काम गाड़ी का करवाना है कहाँ से करवाना है एंड कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहने वाला है, और बजट भी हम सही बजट का भी ऑलमोस्ट वो उतना होता है। बाकी क्या है, बजट बंदा जो भी बनाकर आता है यहाँ पर आकर ऑब्वियसली अपग्रेड करना पड़ता है एंड अपने स्वीट विल से ही बंदा करता है। चलो सर मैं एक चीज़ मेन जो जानना चाहूँगा लोगों को, मतलब ये चीज़ लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे, अब जैसे हम जो वीडियो में हम पोर्ट्रे कर रहे हैं या फिर अभी आपने वीडियो बनते हुए देखा, एवरीथिंग इज कोई फेक तो नहीं कर रहे सर? एवरीथिंग इज जेन्युइन, जो हम बता रहे वही हो रहा है ऑब्वियसली। और भाई ये हम लोग नथिंग इज मैनिपुलेटिव, है ना, मैंने ये चीज बोला कि अगर ये लाइट अच्छी है तो अच्छी है, yeah, okay. नहीं अच्छी तो नहीं अच्छी है। भाई ऑन कैमरा बताने से जरूरी है कि अगर आज हमारे पास चार लोग भी काम कराने आ रहे हैं या 10 लोग भी काम कराने आ रहे हैं तो वो ट्रस्ट पे आ रहे हैं कि यार हमारे साथ गलत नहीं होगा। ट्रू, बाकी देखो भाई प्राइसिंग जो है वो अप डाउन हो सकती है। अब ये भी कुछ ना कुछ कमाने के लिए बैठे हैं, खाली हाथ कोई नहीं कमाने जाएगा कि मैं कोई सेवा कर रहा हूँ, सेवा कोई नहीं कर रहा भाई, कमा तो ये भी रहे, लेकिन हाँ ये चीज है कि आपको क्वालिटी डिलीवर होनी चाहिए, बिल्कुल। और सर एक चीज़ और, भरत भैया का व्यवहार कैसा है? ही इज़ अ वेरी नाइस गाय,
वो बहुत अच्छी तरह से समझाता है और बताता भी है कि इस चीज़ में, अगर किसी चीज़ में उसको लग रहा है कि हम वी आर कमिंग अप विथ सम रॉन्ग आइडिया, या हमारे को लग रहा है कि ये चीज़ ऐसे लगेगी, या उसको लग रहा है कि ये अल्टीमेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड, तो वो रोक देगा आपको। चाहे उसको वो ये नहीं होगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट लगाना ही लगाना है या बेचना बेचना, वो सीधा बोलेगा नहीं भैया आप ये मत करवाओ, ठीक है, इसकी जगह ही विल गिव अस ऑप्शंस और ही विल स्ट्रेट अवे से नो टू इट। और भाई भैया ने ना पहले 18 इंच के लिए भी ऑप्ट किया, फिर 20 इंच भी मिल रहा था। अब देखो भरत वाला कहीं ना कहीं कॉस्टिंग एक जगह उसको भैया को ज्यादा मिल रही थी, मतलब कि भरत की साइड से ज्यादा मिल रही थी, तो भैया ने बाहर से लगाया, तो उसका मतलब ये नहीं कि भैया के और कामों में पैसे बढ़ा देंगे। इट वाज लाइक आई वाज वेरी, ही वाज वेरी ओपन इन दिस थिंग। आई सेड कि मेरे को अलॉयज जो है मैंने एक्चुअली किसी रेफरेंस से लगवाए हैं, ओके, सो मैंने उससे डिस्कस किया कि भरत मैं सी आई वोंट टेल लाइज, मैंने से बोला कि मैं तेरे को ये नहीं बोलूंगा मैं नहीं डलवा रहा हूँ, मैं डलवा रहा हूँ बट मैंने किसी और से डलवाने हैं। एंड ही वाज टोटली ओके, ही सेड आई लाइक्ड दिस एटीट्यूड भैया, कि आपने मेरे को स्ट्रेट वे बोला कि यार मैं तेरे से नहीं लगवा रहा, मैं किसी और से लगवा रहा हूं। तो भाई ये चीज क्लियर है, दे आर टोटली फ्लेक्सिबल अबाउट इट। कैमरे में हर एक वो पल बताता हूँ कि भैया ये हुआ इस टाइम पे, ये हुआ इस टाइम पे, वो अगर कहीं पर भी कुछ कमी पेशी है, अगेन मैं आज भी बोल रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रिकल चीज है या कोई भी चीज है, कुछ भी कमी पेशी आती है, भैया के लिए सुनवाई है। मैं तो कह रहा हूँ वो वारंटी कार्ड वाली चीज है ना, वो वारंटी कार्ड ही नहीं है हमारे। मोरओवर राहुल भाई इटसेल्फ अगर ये इतना कर रहे हैं भरत कार के बारे में, इतना लोगों को बता रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, ऑब्वियसली ही इज हैविंग फुल ट्रस्ट ऑन दी ऑन दिस। लोग बोलते हैं ना भैया वारंटी कार्ड लिख के दे, हम उनको ये भी बोलते हैं कि आपकी पर्ची बनी है ना, आप उसकी फोटो भी रख लोगे ना। कई सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं यार भैया अब तो आपकी वारंटी आउट होगी, जी आउट हो गए, तो भाई हम लोग सुनवाई पूरे टाइम तक करते हैं और आपको असिस्टेंस हमेशा देंगे। बाकी सर एक्सपीरियंस बढ़िया, एवरीथिंग वाज प्रीटी गुड। कुछ आइडिया दोगे पैसों का? मेरे को भरत ने 2 लाख कुछ 16, हाँ जी वो इट्स अप्रोक्सीमेट, सो आई हैव गॉट सम थिंग्स अपग्रेडेड, ठीक है। उससे पहले जो मेरी एक तरह की कोटेशन बनी थी, दैट वाज समवट अराउंड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर पार्ट, राइट, अलॉय व्हील्स एवरीथिंग इज, या इट्स एवरीथिंग इज एक्स्ट्रा, इट विल कॉस्ट मी समवट अराउंड 225 to 2.5, इतना बजट आ रहा है, ठीक है भाई, सवा दो ढाई लाख के आसपास, ठीक है भाई। आप लोगों को आइडिया मिल गया और भाई भैया से बड़ा अच्छा लगा भाई मिलके, बाजी 2 दिन रहे, और भाई ये मेरे को है ना कि पंजाब से कनेक्ट अपना बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई पंजाब के बंदे बहुत जॉली है, हम भी जॉली है, तो भाई वो थोड़ा सा एक माहौल बना रहता है। बाकी आप लोग इंडिया के कहीं से भी देख रहे हो, यू आर मोस्ट वेलकम, वाइफ फैमिली गर्लफ्रेंड बहन किसी के भी साथ आओ, वी हैव अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू ऑल। घर वाली बातचीत है, सिमरन यहाँ पर होती है आपकी वाइफ के साथ बातचीत करने के लिए, भरत है वो आपको समझाने के लिए, फैमिली के साथ के लिए घर वाले और आ जाते हैं, और बताओ भाई पूरे घर वाला सीन रहेगा, ठीक है भैया, बिल्कुल बिल्कुल, डन है भाई। तो आज के इस वीडियो में गाइस इतना ही है, आई होप यू ऑल एंजॉयड, मिलेंगे आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, सो टिल देन कीप वॉचिंग, एंड एक बार ऐसे कर दिए सर, बाय बाय।